मेरे बाबा का ख्वाब है कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, जितना मुझसे हो सके कि मैं अपने बाबा का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग की तहसील 18 हज़ारी के इलाका दरगाही शाह में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं किंजा इरशाद, इन्होंने 1098 नंबर हासिल किए हैं, 11 में से मैट्रिक की तालबा थी, और इनके वालिद जो है वो साइकिल मकैनिक है, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनका ख्वाब था कि मेरी बेटी जो है वो अच्छे नंबर हासिल करे और ज़िले में जो है टॉप करे। आखिरकार बेटी ने ज़िले में टॉप किया और अपने वालिद के ड्रीम को जो है वो पूरा किया। इनसे बात करते हैं किंजा इरशाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किंजा इरशाद, बताइएगा, कहा जाता है कि आपके वालिद जो है वो साइकिल मैकेनिक है, मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया है, आपको यकीन था कि इतने नंबर आ जाएंगे? यस सर, ये मेरे असाज़ा की मेहनत, मेरे वालदैन की दुआएं और मेरी अपनी मेहनत है, इसलिए वजह से मैं दिन रात पढ़ती थी, जब लाइट चली जाती थी मैं टॉर्च पर पढ़ती थी, और ये सब मेरी मेहनत और मेरे वालदैन की दुआएं हैं और मेरे असाज़ा की मेहनत है। अच्छा, कहा जाता है कि आपके वालिद साइकिल मैकेनिक हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन में 400 या 500 का माल लेते होंगे, आपको भी पढ़ा रहे हैं, आपके भी अखराज आते हैं, फैमिली के भी अखराज आते हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट कर लेते हैं? सर, हमारी वालदा साहिबा वो दर्जन है, मतलब टेलर है, वो भी घर में सारी कढ़ाई सिलाई भी करती हैं, हमारा मतलब घर का खर्च वो चलाती हैं और हमारी पढ़ाई का खर्च हमारे बाबा चलाते हैं। बताइएगा कि आपने 1100 में से 1098 नंबर हासिल किए हैं, दो नंबर कम क्यों? सर जी, पता नहीं चल रहा कहाँ से कम, वैसे मेरी मिस्टेक कोई नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से कम हो गए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरी कोई मिस्टेक ना हो। आने वाले वक्तों में, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? मेरे बाबा का ख्वाब है कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी, जितना मुझसे हो सके कि मैं अपने बाबा का ख्वाब ज़रूर पूरा करूंगी। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं या फिर आने वाले जो तलबा तलबात हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि वो दिन रात मेहनत करें और अपने वालदैन की उम्मीदों पर पूरा। खुशी हुई है सर जी, जरा ना इसदार है, जरा ना मेरी बच्ची लायक है, रात दिन जरा ना मेहनत कर दिया, कोई खुशी गमी कोई बिरादरी दी हो ही जाए तो उधर ना ही जाती, रात दिन उस मेहनत की है, असं सुती हुई तो किताब जरा चाहिए असें के वाकई जरा पढ़ पढ़ के उसाएं जाती है, मेहनत उस की है, और अल्लाह की मेहरबानी नाल जरा ना सानू बड़ी खुशी हासिल हुई है कि साडा बच्चा इतना जरा टॉप किया है। शाह साहब, कहा जाता है कि आप सैकड़ों का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये सैकड़ों काम तुम दिन में आप 400 या 500 कमा लेते हैं, महंगाई के इस दौर में कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? बस रब तआला की मेहरबानी नाल हो जाता है जी, थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया, आपने किंजा इरशाद की गुफ्तगु सुनी। इसका कहना है कि मेरी वालदा जो है वो घर में काम करती हैं, कढ़ाई सिलाई का, उसके बाद जो है मेरे वालद जो है साइकिल मकैनिक है, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और मैं मेहनत कर रही हूँ, और आने वाले जो तुलबा तुलबात हैं उनको यही मैसेज है कि वो मेहनत करें, अपने फादर की इज्जत करें और असासत से मोहब्बत करें, इंशाल्लाह वो भी नंबर हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह का प्रोग्राम हम लाते रहेंगे अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को। रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।